किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। बेबी मैं फाइट करने नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मम्मा मुझे पता है आपको इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए मैंने आपको गुड लक कहा। ओके मम्मा, अब आप जाओ और इंजेक्शन से मत डरना, ओके? थैंक यू सो मच बेटा, मुझे डराने के लिए, ओके? मैं चलती हूँ। ओके मम्मा, आप जाओ। अगर आपको डर लगेगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं डैडी को आपके पास भेज दूंगी। फिर जिंग गुंजी को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ये लड़की से तो बात करनी बेकार है। ड्राइवर, किसी पास के हॉस्पिटल में चलो प्लीज जल्दी। ओके मैम। Sometime later. मैम, हम आ गए। थैंक यू सो मच। और तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। विजन हॉस्पिटल के अंदर जाती है। तुम मुझे खींचकर यहाँ क्यों लेकर आ गई? देखो मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम लड़ाई करो किसी से। मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, मैं बस उसे समझा रहा था कि तुमसे दूर रहे। देखो जेनी से लड़ाई मत करो, वो बुरी नहीं है, बस वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं करती। और हाँ, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। चलो क्लास में चलते हैं अब। पर तुम समझती क्यों नहीं है, वो तुमसे नफरत करती है। मुझे सब समझ में आता है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तैयारियाँ भी करनी है क्योंकि कल से तुम्हारी क्लास शुरू है ना। मेरा मतलब कि मैं तुम्हें कल से पढ़ाने वाली हूँ, तो रेडी हो जाओ। देखो बैठ के बात करते हैं ना। मुझे नहीं पढ़ना प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। फिर जिमिन और शुगा वहाँ से क्लास में चले जाते हैं। आह, कोई यहाँ डॉक्टर है भी या नहीं? यस, बोलिए मिस, मैं हूँ ना। आपको क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज कुछ करिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या हुआ है? तुम्हें सुनाई नहीं देता, उन्होंने कहा उनके स्टमक में पेन है। आप मेरे साथ चलिए मिस। ये कैसे डॉक्टर है? ये डॉक्टर के भंगार है क्या? मैं डॉक्टर हूँ, भंगार नहीं। ओहो डॉक्टर सुबिन, चलिए इन्हें लेकर चलते हैं हम पहले। पर कहाँ डॉक्टर रोज? भंगार में, रूम में लेकर चलो ना। फिर रोज और सुबिन जिनको लेकर रूम में जाते हैं। तो मैम, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ज्यादा दर्द हो रहा है? अगर मुझे ज्यादा दर्द नहीं होता तो मैं हॉस्पिटल क्यों आती? डोंट वरी मैम, मैं आपको ठीक कर दूंगी, बस इंजेक्शन लगेगा आपको, उससे आप एक घंटे में ठीक हो जाओगे। क्या इंजेक्शन? तुम इंजेक्शन लगाओगी मुझे? यस मैम, अगर मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगी तो आपका पूरा दर्द चला जाएगा। प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, क्या तुम मुझे मेडिसिन नहीं दे सकती? ओह मैम, छोटा सा तो इंजेक्शन है, आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। छोटा हो या बड़ा, दर्द दोनों से होता है, ठीक है ना? मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। और अगर तुमने मुझे इंजेक्शन लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने पति से कह के तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। ऐसे घूर घूर के देख रहे हो? देखो मुझे इंजेक्शन मत लगाना, ठीक है ना? जिन रोज को इंजेक्शन लगाने ही नहीं देती है, वो बहुत चिल्लाती है। मुझे इंजेक्शन से दूर ही रखना, अगर तुमने मुझे लगाया ना तो देख लेना मैं क्या करूंगी। और कि तुम्हारे हॉस्पिटल में सिर्फ इंजेक्शन से इलाज होता है, मेडिसिन नहीं देते क्या? और मेडिसिन देना भी तो मुझे छोटे छोटे देना, मैं बड़ी नहीं खा पाती। क्या बात करती हैं आप, छोटी बच्ची हो क्या? आजकल तो छोटे बच्चे भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं, वो भी खुशी खुशी। हाँ मैं हूँ छोटी, अगर तुम लोगों ने मुझे इंजेक्शन लगवाया तो मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से कह के तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। यहाँ क्या हो रहा है जिन? क्या हुआ, हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ जिन, अरे मुझे कहोगे मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, ये लोग बहुत गंदे हैं। देखो ये लोग मुझे इंजेक्शन लगा रहे, प्लीज इन्हें मना करो, तो मुझे इंजेक्शन नहीं पसंद। अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो सीधे सीधे इंजेक्शन लगवा लो। क्या इंजेक्शन लगवा लूं? तुम सब बहुत बुरे हो। अरे मैम, आपके हस्बैंड आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। देखो जिन, प्लीज इंजेक्शन लगवा लो, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने कहा ना मैं नहीं लगवाऊंगी, और आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं अपनी फाइल घर पे भूल गया था और मैं वही लेने गया था, मैंने देखा कि युनजी अकेली है तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है, तो उसने बताया कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। युनजी ने बोला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए मैं थोड़ा वरी हो गया, इसलिए मैं हॉस्पिटल आ गया। छोड़ो ये सब और चलो इंजेक्शन लगवा लो। जिन, मैंने कहा जिन रुको, ऐसे मत भागो, ये हॉस्पिटल है, तो पागल हो गई हो क्या? अरे प्लीज कहोगे मेडिसिन दे दे। नहीं जिन, चलो चुपचाप से इंजेक्शन लगवाओ। मैंने भी कह दिया मैं नहीं लगवाऊंगी, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ोगे, मैं इंजेक्शन लगवाऊं? हाँ देखो जिन, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, तुम मुझ पे विश्वास करो। नहीं मुझे नहीं करना, दूर रहो मुझसे। देखिए मैम, आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करो। पर दर्द हुआ तो? ओ जिन कुछ नहीं होगा, यहाँ बैठो और चलो अपना हाथ दो। ये लो। प्लीज ऐसे मत लगाओ। पर मैम अभी तो मैंने लगाना भी शुरू नहीं किया, आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मुझे नहीं लगाना, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज इन्हें कहो कि रुक जाए ना। अरे जिन कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, देखना। फिर
रोज जिनको इंजेक्शन लगाती है। क्या इंजेक्शन लग गया? यस मैम, आप अपनी आंखें तो खोलिए, देखिए आपको इंजेक्शन लग गया। ये देखो तुम इंजेक्शन लग गया, अब चलो अपनी आंखें खोलो। देखो क्या तुम्हें दर्द हुआ? नहीं ना। तुम तो ऐसे ही डर रही थी, क्या तुम कहीं दर्द हो रहा है अब? दर्द हो रहा है ना, पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है, इतनी बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हें अभी भी इंजेक्शन से डर लगता है? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे लगा लेते हैं। अपना मुंह बंद करो, हमें यहाँ से चलना चाहिए है ना, और मुझे चढ़ाना बंद करो। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं। मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, मुझसे नहीं चला जा रहा है। मैम डोंट वरी, अभी आपको एक घंटे के अंदर आराम आ जाएगा। कोई बात नहीं, तुमसे चला नहीं जा रहा तो लाओ मैं तुम्हें उठा के लेकर चलता हूँ। ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। पर अभी तुम ही ने तो कहा कि तुम नहीं चल पाओगी। हाँ, आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हो एक साथ में। डॉक्टर सुबिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, घर आराम से जाना आप लोग। ऐसा क्या तुमने खा लिया था कि जिससे तुम्हारा पेट खराब हो गया? नहीं नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, तुम घर चलो ना। फिर वो दोनों वहां से घर चले जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि वी का हॉस्पिटल में ज्यादा रहना ठीक नहीं है। आज पुलिस आई है, कल को अंकल आ गए, तो वी को अगर कुछ कर दिया तो नो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। जितनी जल्दी हो सके मुझे वी से शादी करनी है ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। इसलिए हम कल वी के घर जाएंगे उसके मॉम डैड से बात करने, ओके? पर अगर उनके मॉम डैड ने आपसे सवाल किया तो कि आपको इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा कि उन्हें कैसे मनाना है मुझे। तुम एक काम करो घर चलो अभी। ओके सर। अच्छा मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या खाया था कि तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई? मैंने खाया नहीं था, मुझे तुमने खिलाया था कभी कहीं के। अब बोलो भी ऐसा क्या खा लिया था तुमने कि तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई? तुम घर के लिए चलते इतना बातें करते हो। मत बताओ, छोड़ो, तुमसे तो बात करनी बेकार है। घर पहुंच गए जिन, चलो। ओह नो, इसे भी अभी सोना था क्या? केयरफुली उठाकर अपने रूम तक लेकर जाता है। जिन तुम आराम से लेट जाओ, ओके? कहाँ जा रहे तुम मुझे छोड़कर? मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। कोई तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगा रहा, तुम्हारे इंजेक्शन लग चुका है, अब तुम सो जाओ, ओके? ओहो, इसकी भलाई के लिए मैंने इसे इंजेक्शन लगवाया था और ये अभी भी मुझे नींद में गालियां दी जा रही है। ये भी ना, चलो इधर आके सो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। जिनको सुलाकर आराम भी सो जाता है। चलो। और भाई सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हाँ आज संडे के दिन मुझे कुछ काम है, शाम तक आ जाऊंगा, ओके? चलो मिस्टर ली। ओके सर, चलिए। एक सेकंड, मेरा फोन रूम में रह गया, मैं भी लेकर आता हूँ, ओके? ओके सर। फिर जंकुक वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर ली, आप मुझे ये बताएंगे कि भाई कहाँ जा रहे हैं? सर अपनी शादी की डेट फिक्स करने के लिए जा रहे हैं। शादी? क्या बकवास कर रहे हो, भाई की शादी? और ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं पता थी, पर मैंने आपको बता दिया और आपको पता चल गया।
तो भाई मेरी होने वाली भाभी से मिलने के लिए जा रहे हैं ना, तब तो मेरा जाना तो बहुत जरूरी है। मिस्टर ली चलो हम चलते हैं अब। भाई आप कुछ भूल रहे हैं शायद। मैं क्या भूल रहा हूँ? हाँ आप मेरी होने वाली भाभी को देखने के लिए जा रहे हो, वो भी मेरे बिना। मैं भी चलूंगा आपके साथ। चोरी चोरी चुपके चुपके दिल लगा ली अपने सनम से और हमें बताया भी नहीं। हाँ तो भाई आप यहीं रुको, मैं भी रेडी होके आता हूँ। ओके फिर हम दोनों साथ में चलेंगे भाभी को देखने के लिए। ठीक है जाओ जल्दी रेडी होके आना। Some time later. तो भाई मैं रेडी हो चुका हूँ, तो क्या अब हम चले? चलो चलते हैं। मॉम क्या डैड आपको शॉपिंग पे नहीं लेकर गए? आपको जाना चाहिए। क्या कर सकते हैं बेटा, तुम्हारे डैड ना बहुत ज्यादा ही खराब है। क्या मैं खराब हूँ? जैसे तुम तो बड़ी अच्छी हो। आज संडे पर जमीन अभी भी पड़ रही है। मॉम लगता है कोई आया है। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी देखती हूँ कि कौन है। जंकुक तुम यहाँ इतने सुबह? ओ भाभी नमस्ते प्रणाम, कैसी हैं आप? आप तो बड़ी खूबसूरत हैं। भाई की चॉइस अजीब सी है पर कोई बात नहीं, भाभी आप बहुत अच्छे हो। ये क्या कर रहे हैं सर? पर भाभी आप भाई से कुछ बड़ी नहीं हो। अरे बोलो भी, शर्माने की जरूरत नहीं है भाभी। हाँ मम्मा, मम्मा को क्या हुआ? फिर भी जीसू के पास आती है। मम्मा आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? अरे बेटा देखो ना, पता नहीं कौन है और मुझे भाभी कह रहा है। क्या मॉम? अरे सर वो आपके भाई की मदर इन लॉ है। ओह सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी आंटी, आपकी भाभी ये है। ओह ये मेरी भाभी है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, इन्हें भी गले लगा लेता हूँ। हेलो भाभी कैसे हो आप? मैं आपका पता है छोटा सा पैसे देवर। हेलो ये कौन है? वी ये मेरा भाई है मुझसे छोटा। पर आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपका एक छोटा भाई भी है। ये तुम्हारा भाई है? मैं तो डरी गई थी कि कौन है। आई एम सॉरी आंटी, गलती से मिस्टेक हो गई, पर आप दिखती ही इतनी खूबसूरत है कि मुझे लगा कि आप ही मेरी भाभी हो। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। आओ ना अंदर, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? फिर सब लोग घर के अंदर आते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। वाओ कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। तुमने ठीक कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। ओ भाभी आई नो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। फाइनली अच्छे हो और मेरी शादी की बात होने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो तुम्हारी खुशी मुझे बाहर तक दिखाई दे रही है। एक बार मेरी जीभ से शादी हो जाए बस। मुझे लगता है तुम रॉन्ग नंबर हो और वो राइट नंबर। अरे भाभी कुछ रॉन्ग नंबर नहीं है, चलो अब हम चलते हैं नीचे। फिर वो दोनों नीचे जाती हैं। आज संडे था और मैंने तुम्हें घर पे बुला लिया, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आपको यहाँ धोखे से बुलाया है। क्या ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ मैं इनकी और अपनी मम्मा की बेटी हूँ। अच्छा युंजी बेटा बहुत बातें हो गई, चलो इधर बैठो। जी हो पापा आ गए, आप ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। जी होप मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया, क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है, क्या तुम शादी के लिए रेडी हो? क्या शादी? क्या इसे मेरी आंखों का धोखा है या फिर मैं क्या देख रहा हूँ? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। I love you, Jihub. अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। Jihub, आपको 440 वोल्ट के झटके क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? नहीं वो मैंने कुछ भयंकर सा देख लिया। तो Jihub क्या आप मेरी बहन से शादी करने के लिए रेडी हो? वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत अच्छी है। क्या शादी? शादी के लिए हाँ कर दो वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ शादी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ आयु के लिए। आयु कांग्रेचुलेशंस। ओ थैंक यू सो मच भाभी। मैंने देखा था इन्होंने अंकल को डराया और फिर उन्होंने कह दिया हाँ।
ओहो यंजी बेटा, तुम बहुत ज्यादा ही बोलती हो। मम्मा, बुआ की शादी के अंकल से होगी, तब तो अंकल की तो वोट लगेगी फिर। ओहो यंजी, तुम्हारी बुआ बहुत अच्छी है। क्या सच में? मुझे तो नहीं लगता। हाँ ये तो बच्ची है, तो कुछ भी बोलती रहती है, इसे छोड़ो। ये यंजी फैमिली में आके इन्हीं के जैसी हो गई है। वो मुझे आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, कौन सी बात करनी है? हाँ जंकुक बोलो, क्या बोलना है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई भाई, क्या मैं ये पी सकता हूँ? बेटा पूछने की क्या बात है, पी लो। जंकुक तुम कुछ कह रहे थे? हाँ वो मैं ये कह रहा था कि भाई क्या मैं ये खा सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, जरूर खा सकते हो। जंकुक बोलो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं और भी भाई, मुझे बहुत जोर से वॉशरूम आई है, प्लीज कुछ करो। ओ शुगर, तुम मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? हाँ वी, क्या तुम इसे लेकर जाओगे यहाँ से? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम दिखाती हूँ। ओके ओके भाभी, चलो जल्दी चलो। फिर वी शुगर को वॉशरूम तक लेकर जाती है। मैं चलती हूँ, तुम वॉशरूम करके आ जाना। ओके ओहो भाभी, भाई से मिलने की जल्दी। फिर वी वहाँ से जंकू के पास वापस आ जाती है। मॉम डैड, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मुझे वी से जल्दी शादी करनी है। बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दी है कि हमारी बेटी से शादी करने की तुम्हें? क्या हुआ जंकुक, सब ठीक तो है ना? नहीं सब ठीक है, वो मैं चाहता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि मैं वी के बिना नहीं रह पा रहा। आई लव यू वी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है अब। ओहो इतना प्यार करते हो हमारी बेटी से कि इतनी जल्दी शादी करना चाहते हो तुम उससे? ठीक है मैं तो रेडी हूँ शादी करवाने के लिए, एक बार वी से पूछ ले। वी से क्या पूछना, उसके चेहरे पे तो साफ साफ दिख रहा है। हाँ मॉम, क्या मैं जंकुक को अपने साथ अपने रूम में ले जाऊँ, मुझे कुछ बात करनी है। क्यों नहीं बेटा, जाओ लेकर जाओ। फिर वी जंकुक को लेकर अपने रूम में जाते हैं। अदर साइड शुगर वॉशरूम से वापस लौट रहा होता है, तभी वो जिमिन को देखता है। खिलती कलियों में ढूंढू बस तेरे निशा, मैं न जानू है आखिर ये क्या कारवा, तुझे देखूं तो आए लब पे खुशी, खुदा ना करे हो कभी दूरियां। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। फिर शुगर जिमिन के पास जाता है। मिस टॉपर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ ये मेरा ही घर है, पहले तो ये बताओ तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी भाभी देखने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मिल जाओगी मुझे। हाँ ये क्या कर रहे हो तुम?